विद सिटी डेवलपर्स की खास पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले आबादी के बीचों बीच वेंचर, 6,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड नकद या आसान अकसात पर। इस खबरनामे को पेश करता अलमन्नान ज्वेल्स, शाली बंडा, हैदराबाद। महाजमीन फारूक नगर वासी है और अभी ऑनरेबल मिनिस्टर के साथ रिसीव कर रहे हैं। बहादुरपुरा जू पार्क के रहने वाले हैं, फातिमा उन्नीस आ रही है और इंशाल्लाह ताला खरीफ में केटी रामाराव साहब 1 हफ्ते 8-10 दिन में अगर वो वक्त दिए तो हम चाहेंगे कि चार मीनार बस स्टैंड के दामन में जो बस स्टॉप था वहां पर इंशाल्लाह ताला एक पार्किंग लॉट का संगे बुनियाद किया जाएगा। वहां पर पार्किंग लॉट का काम करीब 30-35 करोड़ से शुरू किया जाएगा और चौक की मार्केट बनने के बाद वो जगह जगह पेंशन पेमेंट ऑफिस के उसको वहां चौक की मार्केट को मुंतकिल करके वहां पर भी एक पार्किंग लॉट बनाया जाएगा क्योंकि टूरिस्ट बहुत आ रहा है। गुलजार हाउस में अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरत गुलजार हाउस जो हाउस था वो बन गया है, उसका भी इफ्तिताह किया जाएगा और मिट्टी के शेर से लाल बाजार तक एक कोर्ट का स्टे था, बड़ी मुश्किलों से 3-4 साल 5 साल के बाद उसके वैकेट हुआ, अब इंशाल्लाह ताला वो भी वहां पर रोड बाइंडिंग का काम किया जाएगा। तो ये तमाम काम अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर रियासती हुकूमत के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव उसको मंजूर किए हैं। मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह ताला और भी डेवलपमेंट के काम हमको करवाना बाकी है, वो काम होंगे। आप तमाम का बेहद शुक्रिया, मैं ज्यादा वक्त लिया मगर ये बोलना जरूरी है क्योंकि आजकल क्या है हर चुरमुर चुन्नू मुन्नू को जबान आ गई मुंह में, उन्हें बैठ कर कोई झूठ झूठी बोलते। ये काम जब मजलिस और हुकूमत कराती है, अब आप देखेंगे आज मेरी तकरीर के बाद इनके पेट में इतना दर्द होगा कि पूरे चीखा मार मार के रोएंगे, अरे 2 BHK का काम हो गया, अरे ये हो गया, अब उसका क्या बोलेंगे, नहीं तो को नहीं मिला। मेरे बाबू शुरुआत है, ये इख्तिताम नहीं है, ये शुरुआत है। और भी जहां कहीं भी हम बना सकते वहां पर देख रहे हैं, प्रपोजल गवर्नमेंट को जा चुका है, ये काम होगा। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मजलिस का और के चंद्रशेखर राव का साथ दीजिए ताकि तेलंगाना के गरीबों का मुस्तकबिल महफूज रह सके। याद रखिए आपको गरीबों का मुस्तकबिल महफूज रहने के लिए बहुत जरूरी है, ये काम मजलिस नुमाइंदगी पर हुकूमत करवा रही है तो ये काम और करना बाकी है। महंगाई आसमानों को छू रही है, इन्फ्लेशन कीमतों में 11% को पहुंच चुका है, इसलिए बहुत जरूरी है कि आप तमाम लोग एक अच्छा फैसला आप लेते आए। मुझे यकीन है कि मुस्तकबिल में भी आप गरीबों को सामने रखकर एक सेकुलरिज्म को मजबूत करेंगे। मैं तो चीफ मिनिस्टर से कहा हूं कि आप ये दुकानदार को छोड़ो और हमारे प्राइम मिनिस्टर जो चौकीदार है इन दोनों को छोड़ो, आप ये दुकानदार चौकीदार को छोड़कर एक तीसरा रास्तापन शुरू करेंगे, एक तीसरा थर्ड फ्रंट बनाइए। अगर चीफ मिनिस्टर थर्ड फ्रंट बनाएंगे तो मुझे यकीन है कि ऐसे कई पार्टियां हैं जो ना दुकानदार के साथ है ना चौकीदार के साथ जा सकते, इनको हम लोग साथ लेकर आगे बढ़ सकते हैं। तो ये हमारी कोशिश है, इंशाअल्लाह ताला असेंबली के इलेक्शन आएंगे और जो लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं उनको भी पता चल जाएगा कि क्या होने वाला। मैं इत्मीनान और पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि कोई बदलाव नहीं होगा, मजलिस कामयाब होगी और KCR भी कामयाब होगा और ये कोई उसमें दो राय नहीं है। अब लोग बोलेंगे सियासी तकरीर करें, मेरे भाई मैं सियासतदान हूं, मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूं, मैं सियासतदान हूं तो सियासी बात करना है। हम ये काम करवाए दूसरे क्यों नहीं करवा सके, मजलिस थी आपने मजलिस को वोट दिया, मजलिस हुकूमत के सामने जाकर का ये काम करवाना है। उस्मानिया हॉस्पिटल की भी नई बिल्डिंग का भी कोर्ट में है, कोर्ट का जो फैसला आएगा इंशाअल्लाह ताला हुकूमत मुझे यकीन है कि जल्द से जल्द उस्मानिया हॉस्पिटल की नई बिल्डिंग का भी काम या जो भी कोर्ट का फैसला आएगा हमको
बिल्डिंग की जरूरत है। गरीब गरीबी में हमेशा मुब्तला इसलिए था कि अस्पताल गया, प्राइवेट में गया तो कर्जों में डूब जाता। इसीलिए मैं इकरार कर रहा हूं कि उस्मानिया हॉस्पिटल इस शहर के इलाके के लोगों के लिए बहुत बड़ी जरूरत है, बहुत बड़ी जरूरत है। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं स्कूल की बिल्डिंगों में भी, वहां पर भी स्कूल के टीचरों की वैकेंसी उसको पूरा किया जा रहा है। वरना हर मैदान में अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ और आपके इत्तेहाद की वजह से मजलिस ये काम कर पा रही है। मैं फिर से जनाब महमूद भाई का, वजीर दाखिला का शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला, यहाँ पर तशरीफ लाए। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि 28 सितंबर को मिलादुन नबी भी आ रहा है और गणेश का जुलूस भी आ रहा है, तो मैं आप तमाम से शहरियान हैदराबाद से, तेलंगाना की आवाम से ये अपील कर रहा हूं कि हमारे शहर के और रियासत तेलंगाना के अमन को मजबूत रखिए। मिलाद का जुलूस होगा तो उसके ताल्लुक से अगर कोई निकालना चाह रहा है निकालेंगे जरूर, तो आप एक टाइम अब मीटिंग करेंगे महमूद भाई, उसमें तय करेंगे। हमारा कोशिश ये होना कि अमन से उस दिन गुजर जाए। अगर अमन बिगड़ेगा तो सबसे ज्यादा नुकसान है गरीब को होता, चाहे उसका मजहब कुछ भी हो, क्योंकि जो डेली वेज अर्नर्स है जो रोज जाकर मेहनत करे तो अपना उनके घर में चिराग जलता, गरीबी है। हमारे शहर का अमन बहुत जरूरी है, तेलंगाना का अमन जरूरी है। ऐसे लोग हैं शरफुद्दीन नासिर जो मौके की ताक में है, मगर हम भी उनकी ताक में लगे हुए हैं। हम भी जानते कौन है वो लोग, किधर काम कर रहे, और इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि शहरियान हैदराबाद और तेलंगाना की आवाम, तेलंगाना के ये जो 9 साल से यहाँ पर कोई फसाद नहीं हुआ उसको बरकरार रखेंगे, अमन रहेगा और हर हमारे हिंदू भाई अपना त्योहार अमन से मनाएंगे, मुसलमान अपनी गुलामी का सबूत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की होने के बिना पर मिलादुन नबी को पुरजोश तरीके से मनाएंगे, मगर अमन को मजबूत रखिए और इसके लिए हम तमाम को कोशिश करना है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं माजरत चाहता हूँ महमूद भाई, बहुत वक्त के लिए आपकी मौजूदगी।